इदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरम मधुरम स्वरूपम कर्मापिते च मधुरम मधुरास्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं पूजयन् वेणुं श्यामलोयं कुमारक वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वंदे वाल्मीकि कोकिलं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुविभावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। शिवाय नम शिवलिंगाय नम तन्मे मन शिवसंकल्पमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गो माता की जय हो। गो हत्या बंद हो। भारत अखंड हो। सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की जय हो। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो। श्री बलभद्र महाप्रभु की जय हो। भगवती सुभद्रा देवी की जय हो। चक्र सुदर्शन महाभाग की जय हो। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय महादेव।
ब्रह्म सूत्र 2136 37 बात हो गया था ठीक है। अत्र से अत्र सर्वज्ञम इति यहाँ यह समझना चाहिए कि परमात्मा तत्व अर्थात जो वेदांत वेद्य ब्रह्म है सर्वज्ञ भी है सर्वशक्तिमान भी है। ऐसी स्थिति में वह जगत का निमित्त और उपादान दोनों कारण ही सिद्ध होता है। महाप्रलय में सदैव सौम्यदमग्र आसीत एकमेवा द्वितीयम इस छांदोग्य श्रुति के अनुसार सजाती विजाती स्वगत भेद शून्य सत्तत्व ही अवशिष्ट सिद्ध है। महासर के प्रारंभ में यद्यपि आकाश वायु तेज जल पृथ्वी संज्ञक पंचभूत और स्थावर जंगम प्राणी पर लक्षित होते हैं, विविधता की पराकाष्ठा का नाम ही सृष्टि है, तथापि विचार करने पर महाप्रलय के सदृश ही सर्गदशा में भी परमात्मा अद्वय ही बना रहता है, क्योंकि कोई भी शक्ति अपने आश्रय शक्ति या शक्तिमान को अपनी विद्यमानता से सद्वृत्ति नहीं कर पाती और यहाँ तक कि अपने कार्यों की विद्यमानता से भी अपने आश्रय शक्तिमान या शक्त को सद्वृत्ति करने में समर्थ नहीं होती। दृश्यते सर्वस्य चेतनाधिष्ठ तस्यैव लोके प्रवृत्ति इति लोकानुसारो दर्शिता। शंकराचार्य जी की विशेषता है कि उच्च से उच्च दार्शनिक सिद्धांत को ख्यापित करने के बाद भी लोक सम्मत दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं ताकि सत्य सहिष्णुता अभिव्यक्त हो सके। दृष्टांता सिद्धि नामक दोष की प्रसक्ति भगवान शंकराचार्य के ग्रंथों में बिल्कुल नहीं है, यह अभिप्राय है। लोक में देखा जाता है कि सर्वस्य चेतनाधिष्ठिता से वे लोके प्रवृत्ति, चेतन से अधिष्ठित होकर ही सबकी लोक में प्रवृत्ति होती है। अतः इस तथ्य को शंकराचार्य जी ने लोकानुसारो दर्शिता लोकन्याय से लोक सम्मत विधा से प्रस्तुत किया। चेतनाधिष्ठित ही सबकी प्रवृत्ति संभव है। चेतन से अधिष्ठित होकर प्रवृत्ति संभव। अब कोई कह सकते हैं कि चंद्रयान 3 भेजा गया तो चेतन से अधिष्ठित होकर भेजा गया या क्या? पहले भी तो पुष्पक यान था ही, विश्वकर्मा जो थे वो अभियंता थे, इंजीनियर थे, उन्होंने जो चमत्कार दिखा दिया आज तो वो इंजीनियर उस प्रकार का चमत्कार नहीं दिखा पाए। जल थल नभ सब में पुष्पक यान की गति थी, तो कोई भी वस्तु जड़ भले ही हो अंत में चेतन से प्रयुक्त होकर ही उसमें अर्थात क्रियाकारिता की निष्पत्ति होती है। कथा सरित सागर नामक एक ग्रंथ है जिसमें एक ऐसे नगर की कल्पना की गई है जहाँ सबके सब यांत्रिक मनुष्य ही थे,
केवल एक व्यक्ति उस महानगर में सचमुच में मनुष्य था, बाकी सब कुछ यांत्रिक ही था। तो कथा सरित सागर में इस तथ्य को उद्भाषित किया गया। विचित्रता यह है कि आधुनिक व्यक्ति समझते हैं कि प्रथम कलयुग है यह, इससे पहले द्वापर था, त्रेता था, कृतयुग था, ये सब नई चीज़ें आ रही हैं, क्या चंद्रयान 3 आदि। लेकिन महाभारत में लिखा है कि भगवान वेदव्यास ने 1000 चतुर्युग का दिव्य चक्षु से दर्शन करने के बाद महाभारत की रचना की। किस कल्प में श्री कृष्ण पांडव आदि का चरित्र किस प्रकार हुआ, अवान्तर भेद होने पर भी सामंजस्य था। 1000 चतुर्युग का दर्शन किया दिव्य चक्षु से, फिर महाभारत की रचना की। उसका अर्थ यह है कि हमारे लिए सब बहुत कुछ नया हो रहा होगा। जब हम कहते हैं हमारे पूर्वज ऐसे थे, तो उसका अर्थ क्या होता है? उन दिनों हम ऐसे थे और कुछ होता है क्या? अगर कैवल्य मोक्ष हो गया होता तो जन्म क्यों होता? जब हम कहते हैं हमारे पूर्वज ऐसे थे, तो उसका अर्थ क्या होता है? उन दिनों हम ऐसे थे, यही होता या और कुछ होता? एक मनोहर है वृंदावन में, एक युग बालक रास पंचाध्यायी में कृष्ण बनता था, बाद में बरसाने का था, वो बाद में वो गृहस्थ हो गया। तो मनोहर जी, मनोहर नाम था, मनोहर जी को ऐसा लगता था कि मैं उन पर बहुत लट्टू हूँ। मनोहर जी पे स्नेह तो सबके पर था ही। तो उन्होंने कहा कि मैं जब मर जाऊँगा आपको मेरी याद आएगी। हमने कहा आगे क्या होगा? हाँ आगे जाओ, बैठ जाओ। उसको तैयार रहता है, धन्यवाद। जया श्री राम, बैठ जाओ। तो मनोहर जी ने कहा मेरी याद तो आपको आएगी, तो जो रास पंचाध्यायी में श्री कृष्ण बनते थे, अब वो गृहस्थ हो गए हैं, बरसाने के हैं, उनका बेटा होकर मैं जन्म लूँगा, तो मुझसे मिलने की इच्छा हो तो मिल लीजिएगा। इसका अर्थ क्या हुआ? जब हम कहते हैं हमारे पूर्वज ऐसे थे, उसका अर्थ क्या होता है? उन दिनों हम ऐसे थे, यही ना। इसलिए कहा उनकी बहन भी वही रहती थी। हाँ उनकी बहन भी रहती थी। किन की? मनोहर। हाँ वो ठीक ना, ठीक नाम वाम बोलो यार। दृश्यते सर्वस्य चेतनाधिष्ठितस्य लोके प्रवृत्ति। उसके पति आर्य समाज थे, पटरी नहीं खाते थे। दृश्यते सर्वस्य चेतनाधिष्ठितस्य लोके प्रवृत्ति। लोक में जितने भी हैं सबकी प्रवृत्ति चेतन से अधिष्ठित होकर ही होती है, यह अभिप्राय। अंत में कोई ना कोई चेतन ही जड़ वस्तु का संचालक होता है, यह अभिप्राय। लोकानुसारो दर्शिता, इस तथ्य को लोक सम्मत विधा से शंकराचार्य जी ने भाष्य के माध्यम से दर्शाया। बोलने में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अभी हमारे वक्तव्य की समीक्षा कर रहे थे, कौन? एक पवन है, और दूसरे कौन है? दूसरे जो होते हैं शुक्ल जी। हाँ हमारे सामने कर रहे थे, अमी ने पूछा था, समीक्षा कर रहे थे। बोलने में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
भरत विनय सादर सुनिय करिय विचार बहोर करिय लोक मत साधु मत नृपनय निगम निचोर। राम सेत मानस। वशिष्ठ जी का वचन है, राम जी को सावधान करते हुए वशिष्ठ जी ने कहा, भरत जी आए हैं, वे कुछ निवेदन आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। आप जो हैं भक्त वत्सल हैं, कहीं भक्त वत्सलता के चपेट में आकर वनवास छोड़ न दें। राज्य के भूखे तो नहीं हैं, ना ही न राम राज्य के भूखे, धर्म धुरीन विषय रस रूखे, तुलसीदास जी ने लिखा। तो भरत जी की बात को आस्थापूर्वक उपेक्षापूर्वक ने सादर सुनिए, लेकिन पुनः विचार भी कीजिए। तो विचार के बिंदु दीजिए गुरु जी, करिय लोक मत साधु मत नृपनय निगम निचोर। भरत जी की बात सुनिए तो इससे क्या निकला, भक्त मत का अनादर मत कीजिए, भक्त मत फिर लोक मत राज मत साधु मत और शास्त्र मत, इतने में सामंजस्य साध करके आप कोई निर्णय लीजिएगा तो मुक्की मत खाइएगा। कितने हो गए, भक्त मत और साधु मत क्यों कहा, चित्रकूट है, संत महात्मा ये हैं, भरत जी तो भक्त हैं। भक्त मत साधु मत राज मत, जनक जी भी आए हुए हैं, कोई ऐसा निर्णय ना हो जो राज मत के विरुद्ध हो। भक्त मत साधु मत राज मत लोक मत और शास्त्र मत, पांचों में सामंजस्य साध करके आप निर्णय लीजिएगा। कोई भी काम करे तो कितने मत हो, देश काल परिस्थिति दर्शन विज्ञान व्यवहार साधु मत भक्त मत लोक मत राज मत शास्त्र मत, इन सब में सामंजस्य साध करके जो व्यवहार करता है मुक्की नहीं खाता। इतने पहले तो ध्यान रखना पड़ता है, बाद में स्वभाव हो जाता है। क्या तो स्वभाव हो जाता है तो उसकी हर चेष्टा इन सब के सम्मत ही होती है। लोक मत राज मत साधु मत भक्त मत शास्त्र मत देश काल परिस्थिति दर्शन विज्ञान व्यवहार, इन सब में सामंजस्य साध कर जो व्यवहार करता है सबकी आस्था का केंद्र हो जाता है। अभी कमरे में विचार चल रहा था, भस्त नारद जी सबके पूज्य क्यों हो जाते हैं, फिर समीक्षा करने वाले समीक्षक पवन जी नारद जी में मुझ में क्या विलक्षणता है इसकी समीक्षा कर रहे थे। नारद जी सबको आत्मी समझते हैं, आत्मस्वरूप समझते हैं, दो गुण हो गए, सबके हितैषी हैं, हितज्ञ हित करने में तत्पर हैं, समर्थ हैं, छह गुण हो गए। दुष्टों की दुष्टता को हार देते हैं, सज्जनों की सज्जनता को भार देते हैं, दोनों को भिरा देते हैं और युद्ध करवा करके धर्मराज रामराज की प्रतिष्ठा का मार्ग प्रशस्त करते हैं। यहाँ हमारे व्यवहार में नारद जी के व्यवहार में अंतर हो जाता है, हम दुष्टों की दुष्टता को वारते नहीं, हम दुष्टों के हृदय में सज्जनता के प्रति क्या सज्जन के प्रति आस्था उत्पन्न कर देते हैं ताकि दुष्ट समझें अपनी दुष्टता, हमारी दुष्टता हमारे लिए घातक है, इसको दबा के रखें और बन सके तो इसको निर्मूल करें। इतना अंतर हो गया नारद जी के व्यवहार में हमारे व्यवहार में, बाकी क्या हुआ, दुष्टों की दुष्टता उभार देते नारद जी, कंस की दुष्टता उभार दी, सज्जनों की सज्जनता उभार करके भिरा देते, हम क्या करते हैं दुष्टों की के हृदय में वो भावना उत्पन्न कर देते हैं कि हमारी दुष्टता हमारे लिए अन्यों के लिए घातक है। परेशान न समाचारित आत्मना प्रतिकूलानी, परेशान न समाचारित आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन,
सुखम व यदि वह दुखम सहयोगी पर वमता गीता का छठा अध्याय। नारद जी के काम करने में हमारे काम करने में इतना अंतर है। नारद जी तो गुरुओं के गुरुओं के गुरुओं के गुरु भी हैं। क्या काम करने में देश काल परिस्थिति के अनुसार यह है, दुष्टों के हृदय में सज्जन और सज्जनता के प्रति आस्था उत्पन्न कर देते हैं, दुष्टों की दुष्टता को उभारते रहें और वो अंदर ही अंदर दुष्टता को दूर करने का प्रयास करें, ऐसा हमारी नीति इस प्रकार की है। या कहा दृश्यते सर्वस्य चेतनाधिष्ठित लोके प्रवृत्ति ही लोकानुसारो दर्शित। लोकन्याय से या तथ्य सिद्ध है कि चेतन से अधिष्ठित होकर लोक में प्रवृत्ति होती है। या ज्ञान इत्यादि भी आखिर कोई ना कोई चेतन तो संचालक होता ही है। या कथा सरित सागर का हमने उदाहरण दिया, यांत्रिक नगर ही था, सब मनुष्य इत्यादि सब यंत्र के ही थे, लेकिन एक व्यक्ति तो स्वीकार करना पड़ा ना जो सचमुच तो मनुष्य था। इसी प्रकार चेतन से अधिष्ठित होकर ही लोक में प्रवृत्ति पर लक्षित है। सर्वशक्ति इति भगवान जो है सर्वशक्ति संपन्न है, परमात्मा सर्वशक्ति संपन्न है और सर्वज्ञ भी हैं। सर्वज्ञ हैं इसलिए जगत के निमित्त कारण है, सर्वशक्ति संपन्न है इसलिए उपादान कारण है। भगवान ही जगत बनते हैं, भगवान ही जगत बनाते हैं, निमित्त कारण भी भगवान सिद्ध होते हैं, उपादान कारण भी भगवान ही सिद्ध होते हैं। सर्वस्य जगत उपादान कारण निमित्त कारण चेत्युपपादितम चेत्युपपादितम। जितना भी जगत है सर्वस्य जगत है, यहाँ जगत काया जंगम प्राणी की प्रधानता से जगत नाम होता है। तो जगत कहने पर स्थावर जंगम सबका ग्रहण कर लेना चाहिए, जो भी जगत है। साथ ही साथ स्थावर के दो अर्थ हो जाते हैं, तरुलता गुल्म इत्यादि जो स्थावर प्राणी है ये भी विवक्षावसात पृथ्वी जल तेज वायु आकाश का नाम भी स्थावर ही है। इस प्रकार पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश जैसे हमारा स्थूल शरीर है जिसके हम अभिमानी हैं, ऐसे ही विचार करके देखें तो पृथ्वी भी किसी देवता का स्थूल शरीर है। पृथ्वी भूदेवी हैं, वरुण जल भी किसी देवता का शरीर ही है, अग्नि देवता प्रकट हो जाते हैं, अग्नि भी किसी देवता का शरीर ही है, वायुदेव प्रकट होते हैं, वायु भी किसी अधिदैव की दृष्टि से तो सब चेतन ही है। जिसको हम कहते हैं पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, अधिदैव की दृष्टि से पृथ्वी के अधिदैव भी चेतन, जल के अधिदैव भी चेतन, अग्नि के अधिदैव भी चेतन, वायु के अधिदैव भी चेतन, आकाश के अधिदैव भी चेतन। पांच पांडवों को पंचभूतों से उपमित किया गया है महाभारत में, और विचार करके देखें तो पांचों जो पांडव थे पांच भूतों के अधिदैव के ही अवतार थे। जो बात अत्यंत स्पष्ट है उसी को रखते हैं, वायु के देवता वायुदेव ही भीमसेन के रूप में प्रकट हुए थे। इंद्र विद्युत अग्नि तीनों में सामंजस्य, वही अर्जुन के रूप में व्यक्त हुए थे। और युधिष्ठिर धर्मराज के अवतार थे, तो आकाश का अधिदैव धर्म होते हैं, वही युधिष्ठिर के रूप में व्यक्त हुए थे। अब रह गए नकुल सहदेव, पृथ्वी और जल के अधिदैव ही अश्विनी कुमार हैं, अश्विनी कुमार ही नकुल और सहदेव के रूप में व्यक्त हुए थे। माद्री उधर कुंती, दो भाई इधर तीन भाई इधर पाँचों हो गए। नकुल सहदेव कौन हैं? पृथ्वी और जल के अधिदैव के अवतार अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार एक को बुलाओ दोनों आ जाते, दोनों साथ साथ रहते, दोनों भाई में बड़ा प्रेम है। अश्विनी कुमार, अश्विनी चौबे नहीं, अश्विनी कुमार
अश्विनी कुमार के नाम क्या हैं, ना सत्य और दस्र, ना सत्य और दस्र में नौ को दस्र के पहले भी लगा देंगे, ना सत्य ना दस्र, ताकि हिंसा परक दस्य सब दस्र शब्द है वह हिंसा परक हो जाए। इस प्रकार जैसे वीत राग भय क्रोध गीता में भगवान ने कहा, वीत राग भय क्रोधा, वीत शब्द राग भय क्रोध सबके साथ लगेगा नहीं तो राग रहित हो और भय क्रोध से युक्त तो ऐसा नहीं होगा। वीत राग भय क्रोधा, ऐसे ही जब हम कहते हैं तो समझना चाहिए ना सत्य ना दस्र। या तो नौ ना सत्य और ना दस्र, अश्विनी कुमार जो हैं कौन कौन हैं, अश्विनी कुमार के अवतार ही नकुल सहदेव ना सत्य और दस्र, युधिष्ठिर जी धर्मराज के अवतार हैं आकाश के अधिदेव, और वायु के अधिदेव कौन हैं भीमसेन, तेज के विद्युत के अग्नि के अधिदेव कौन हैं, उन्हीं के अवतार हो गए अर्जुन, और अश्विनी कुमार में जल और पृथ्वी के अधिदेव अश्विनी कुमार के रूप में अवतीर्ण। तो जुड़वा बच्चे होते हैं ना, मर्यादा है, माँ के गर्भ में जो पहले प्रविष्ट होते हैं जन्म लेते हैं बाद में, माँ के गर्भ में जो बाद में प्रविष्ट होते हैं जन्म लेते हैं पहले, वहाँ अग्रज यहाँ आके अनुज हो जाते हैं क्या। इसलिए कौन थे, शत्रुघ्न और दो भाई लक्ष्मण, लक्ष्मण जी, ये शत्रुघ्न बड़े थे या लक्ष्मण, लक्ष्मण बड़े थे, लेकिन वो उपासना के दृष्टि से राम रस अपनी सदारी में शत्रुघ्न को ही बड़ा मान के काम किया जाता है, ये मनोविज्ञान है। जुड़वा जो बच्चे होते हैं माँ के घर में, जिनका प्रवेश पहले होता है जन्म उनका बाद में होता है, जिनका प्रवेश बाद में होता है उनका जन्म पहले होता है। यहाँ वो अग्रज अनुज देखते हैं दार्शनिक धरातल को, अनुज और अग्रज हो जाते हैं क्या, छोटा भाई बड़ा भाई हो जाता है, बड़ा भाई छोटा भाई, माँ के घर में जिसका प्रवेश पहले हुआ जन्म लेगा बाद में, ऐसा हो जाता है। सर्वस्य जगता उपादान कारणान्वित कारणम च इति उपपादितम्, ब्रह्म तत्व ही संपूर्ण जगत का निमित्त कारण भी है उपादान कारण भी है। तदैक्षत सैक्षण चक्रेशो कामयत, आदि वचनों के अनुसार ब्रह्म तत्व ईक्षण करता है, उसके संकल्प से जगत की उत्पत्ति मान्य है। बहुश्याम प्रजाए यदात्मान स्वयं अकुरुत, सर्व कलविदम ब्रह्म आत्मवेदम सर्वम अहमय वेदम सर्वम, इन सब वचनों के अनुसार बहुभवन सामर्थ्य संपन्नता के कारण भगवान क्या हैं, उपादान कारण भी हैं, निमित्त कारण भी भगवान, उपादान कारण भी भगवान। यह अर्थ उदाहरण क्या होगा, स्वप्नावस्था में स्वप्न प्रपंच के निमित्त कारण कौन होते हैं, हम लोग होते हैं उपादान कारण भी। आत्मचैतन्य से अधिष्ठित अर्धनिर्दृत मनोद्वार से हम जो स्वप्न साक्षी होते हैं वही स्वप्नावस्था में पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश स्थावर जंगम प्राणियों के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। अब कोई अनार्य व्यक्ति कहेगा तो ऐसी क्षमता आपके जीवन में आ जाती है तो जागृत में दिखाइए, हम क्या कहेंगे, आपके जीवन में नहीं आती क्या। आपके जीवन में एक व्यक्ति ने बटाला में कहा कि मेरे बेटे को समझाइए खेलता रहता है, उसने कहा इनसे पूछिए जब बच्चे थे खेलते थे या नहीं। माता पिता का मुंह बंद कर दिया उसने, खेलता रहता, ये शिकायत है कोई, इनके पिता भी यही तो कहते थे खेलते रहते हैं खेलती रहती है, ये कोई नई बात है शिकायत। हमने कहा देखो मुँह बंद कर दिया माता पिता के बच्चे ने,
ऐसे ही यह हुआ। स्वप्नावस्था में हम आपको ये जीवन में भी अक्षमता आती है कि अर्धनिद्रित अंतःकरण के द्वार से स्वप्नावस्था में हम क्या हो जाते हैं, पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश स्थावर जंगम सर्व रूपों में स्वयं को प्राप्त करते हैं। त्यागात शांतिरनंतरम अनिच्छन्न की भी त्याग हो जाए उससे व्यक्ति लाभान्वित होता है। क्या प्रपट पड़े तो हर गंगा, न चाहने पर भी त्याग हो जाए तो उससे लाभ होता है या नहीं? नहीं चाहते थे, कल्पना कीजिए पूर्व शरीर छूटे गया भर गए, उसका लाभ क्या है? पुराने घर रिश्तेदार शत्रु मित्र किसी की याद नहीं, सब पे पानी फिर गया। अनादिकाल से जितने शरीरों को सब बना दिया है उन शरीरों की अपेक्षा एक अधिक है, यही तो कहेंगे ना गलत की दृष्टि से। ईश्वर के कार्यालय में भी लेखा जोखा नहीं है कि एक जीव ने अनादिकाल से अब तक कितने शरीरों को सब बना दिया है। अगर किसी जीव को उसके द्वारा त्यागे गए पूर्व शरीरों का एक कालावच्छेदन दर्शन प्राप्त हो तो एक एक जीव के द्वारा त्यागे गए शरीरों से कोटि कोटि ब्रह्मांड पट जाएं। अनादि और अनंत में गणित की गति नहीं होती। गणे की गणना का नाम गणित है, अगणित की लक्षणा का नाम गणित है। इसलिए एक एक जीव ने अनादिकाल से अब तक जितने शरीरों को सब बना दिया है कदाचित एक कालावच्छेदन उसे अपने द्वारा त्यागे गए उन सब शरीरों का दर्शन प्राप्त हो तो एक ही जीव के द्वारा त्यागे गए शरीरों से कोटि कोटि ब्रह्मांड पट जाए। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बात हो गया। सर्वस्व जगत उपादान कारणानमित्त कारणम च इति उपादित, यह उपादित हो गया अर्थात सब जगत का पूर्ण समग्र जगत का उपादान कारण और निमित्त कारण एक परमात्म तत्व ही है। इसीलिए महामायम भगवान महामायी है, महामाय है अर्थात इंद्र माया भी पूर्ण रूप यते इंद्र मन इदंद्र। यहाँ इंद्र शब्द का अर्थ कल कहा था परोक्ष प्रिया ही देवा, परोक्ष प्रिय सरीखे होते हैं देवता। बृहदारण्य उपनिषद के अनुसार जहाँ तक बन सके निरावरण शैली में नहीं बोलना चाहिए। मैं तो बिल्कुल महाराज सत्य बोलता हूँ, अनारी निरावरण शैली में बात नहीं करनी चाहिए। परोक्ष प्रिया भी देवा यह हुआ, तो अर्थ क्या हुआ? भगवान जो है महामाया भी हैं, महामाया मम माया दुरत्यया मया दक्षिण प्रकृति स्वयते सचराचरम हेतुना ने कौन्तेया जगत विपरिवर्तते मायापति सेवक सन माया करे तो उलट पड़े खगराया। तुलसीदास जी ने कहा, गरुड़ जी को कहा गया, काकुसुंडी गुरु जी का संवाद है न, मायापति भगवान के सेवक के प्रति कोई माया करता है उलट करके वह टोना टापर माया उसी को व्याप्त हो जाती है। हर सेवक न व्यापी माया, या भगवान महामाया भी हैं अर्थात छोटी मोटी माया सबके पास होती है लेकिन भगवान क्या है, मूलक प्रकृति के भी है नियामक होते हैं। मूलक प्रकृति को ही अव्यक्त कहते हैं, प्रधान कहते हैं, महाद्ब्रह्म भी कहते हैं, प्रसंगानुसार माया भी कहते हैं, माया भी कहते हैं। सर्वम अवदातम इस प्रकार, अच्छा वो तो उधर था, यही है महामाया हो गया और तो कुछ नहीं है। हाँ 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 618 पर सर्वानुपत्ति शंका परास्ता, इसलिए इस संदर्भ में जो भी अनुपत्ति विभेद असहमति प्रकट की गई थी सबको परास्त कर दिया। परास्ता
जितनी उत्पत्तियाँ थी, शंकाएँ थी, सबका निराकरण कर दिया, कुछ शेष नहीं रखा। अर्थात जगत का अभिनिमित्त उपादान कारण वेदांत वेद्य ब्रह्म हो सकता है, इसको लेकर जो सांख्य आदि के पक्ष में असहिष्णुता थी उसका निवारण कर दिया। या वैशेषिकों के यहाँ सांख्यों के यहाँ मानो ईश्वर मान्य ही नहीं है, लेकिन वैशेषिकों के यहाँ मान्य होने पर भी निमित्त कारण हो सकता है, उपादान कारण नहीं। या तो वेदांत प्रस्थान की अपूर्वता है कि वेदांत वेद्य जो ब्रह्म तत्व है, वेदांतियों के दृष्टि में वह जगत का निमित्त ही नहीं है, तो उपादान कारण भी है। जगत बनने वाला है तदैक्षत संक्षण चक्र स्वकामयत, जगत बनने वाला है या बनाने वाला, बनने वाला है तो तदैक्षत, बनाने वाला है तो तदैक्षत, बनने वाला है तो बहुत श्याम, या तदात्मान स्वयं अकृत, या बनाता भी है बनता भी है। स्वप्नावस्था में हम आप मनोयोग से जगत बना भी लेते हैं, जगत बन भी जाते हैं। इस प्रकार से मनोराज्य में और स्वप्न में क्या अंतर है? मनोराज्य में केवल कल्पना है, स्वप्नावस्था में तो वस्तु और व्यक्ति का दर्शन भी होता है। मनोराज्य में और स्वप्न में अंतर हो गया। मनोराज्य में तो केवल कल्पना, और स्वप्नावस्था में क्या है? पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, साथ ही साथ क्या हो गया? स्थावर जंगम प्राणी सबका दर्शन हो जाता है। या आकाश, कोई कहेगा कि आकाश का दर्शन होता है आपको? तो निरूप है ना आकाश, अनुभाव्य होगा या नहीं? आकाश जो भी जड़ वस्तु है अनुभाव्य है। शब्द गुण जो है आकाश का है या नहीं? शब्द गुण अनुभाव्य है। तो एक विचित्र तथ्य है, यहाँ हम लोग बैठे हैं, मान लीजिए कोई सुगंधित पुष्प की सुगंधि वायु योग से हम तक पहुँच जाए, तो केवल सुगंधि नामक सुगंध नामक गुण की पहुँच हुई या सुगंधित द्रव्य की भी पहुँच हुई? गुण जो है द्रव्य का त्याग करके विचरण नहीं कर सकता। इसलिए जब कोई व्यक्ति वाटिका से सुदूर भी बैठा हो उस तक किसी सुगंधित पुष्प की सुगंध पहुंच जाए, समझना चाहिए सूक्ष्म रूप में सुगंधित पुष्प का कुछ अंश अवश्य है, नहीं तो जो गुण होता है द्रव्य को छोड़ करके यात्रा कर ले अन्यत्र चला जाए, संभव नहीं। तो फिर चंद्रयान तीन, जब व्यक्ति खुले आकाश में बैठा होता है रात्रि में, चंद्रमा से भी बहुत ऊपर ध्रुव तारे हैं या नहीं, और सप्तर्षि मंडल है या नहीं, किसी को चंद्रमंडल का दर्शन होता है, किसी को ध्रुव का दर्शन होता है, किसी को सप्तर्षियों का दर्शन होता है, तो वहाँ तक पहुँचे बिना होता क्या? वो हम तक पहुँचते हैं या हम उन तक पहुँचते हैं, या बीच में कहीं मिलना जुलना हो जाता? गीता प्रेस के व्यक्तियों ने एक कथा रची राम सुखदास जी के बारे में, वो लोग डरपोक थे इसलिए पूरी कल्पना नहीं कर पाए। राम सुखदास जी भगवान की ओर चल पड़े, भगवान भी राम सुखदास जी से मिलने के लिए चल पड़े। अब कभी भी किसी क्षण कहीं मिलना जुलना दोनों का हो सकता है, कल्पना करके नहीं कह रहा हूँ, वहाँ प्रसिद्धि थी। ये कहने में उनको संकोच था कि मिल चुके हैं, इतना तो कम से कम ध्यान रखा। राम सुखदास जी भगवान से मिलने के लिए चल पड़े, भगवान भी उनसे मिलने के लिए चल पड़े हैं, कोई भी क्षण ऐसा आ सकता है कि दोनों का मिलन हो सकता है। ऐसे जब हम ध्रुव तारे का दर्शन करते हैं खुले आकाश में बैठकर, ध्रुव तारा हम तक पहुंचता है या हम ध्रुव तारे तक पहुंचते हैं, क्या होता है? कहो जी ब्रह्म जी।
कल दूसरा खंड रख देना भाई। मनोवृत्ति से पहुँचते हैं ध्रुव तारे तक। चक्षुर्जन्य मनोवृत्ति निर्धिष्ठान निराभास पहुँचती है या अधिष्ठान और आभास के सहित। क्या अधिष्ठान स्वरूप आत्मा तो व्यापक है, एक है। अन्यों के मत में जो छह दर्शन है, वैष्णव अपनी बात अलग से कहते हैं, अलग बात। तो वैशेषिकों के यहाँ, नैयायिकों के यहाँ, सांख्यों के यहाँ, योगियों के यहाँ, यहाँ तक कि पूर्व मीमांसकों के यहाँ, वेदांतियों के यहाँ, शंकराचार्य के यहाँ भी आत्म तत्व व्यापक। व्यापक होने पर भी वे लोग जो हैं असंख्य मानते हैं, ताकि एक जीव के शुभाशुभ कर्म दूसरे जीव में संचरित न हो जाए। शंकराचार्य क्या मानते हैं, आत्म तत्व व्यापक होने पर भी एक है। तब प्रश्न उठा कि एक का शुभाशुभ कर्म दूसरे को व्याप्त हो जाए तो इसका उत्तर क्या है, उपाधि के द्वारा ही काम चल जाए तो उपहित में भेद मानने की आवश्यकता क्या है। घट मठ आदि के भेद से आकाश में भेद हो जाता है, यानी घटाकाश में हाथी नहीं समझ सकता है, घटाकाश में हाथी थोड़े समझ आएगा। तो घट मठ के भेद से आकाश में भेद माने, या आकाश घट मठ के भेद से, घटाकाश मठाकाश में औपाधिक भेद हुआ ना महाकाश में। जब औपाधिक भेद से काम चल सकता है तो स्वाभाविक भेद मानने की क्या आवश्यकता है। इसलिए शंकराचार्य के मत में, सिद्धांत में, आत्म तत्व विभ होने पर भी एक है। एक के शुभाशुभ कर्म दूसरे को व्याप्त क्यों नहीं होते, अंतःकरण के भेद से या अवच्छिन्न चैतन्य में भेद होता है। वस्तुतः अगर औपाधिक भेद से ही काम सज सकता है तो वास्तव भेद मानने की क्या आवश्यकता है। तो सार क्या हुआ, जब हम चंद्रमंडल ध्रुव मंडल का दर्शन करते हैं, ध्रुव तारे का, सप्तर्षि का दर्शन करते हैं, तब व्यापक आत्म तत्व तो वहाँ भी है, चंद्रमंडल में, ध्रुव मंडल में। और जो मनोवृत्ति होती है, चक्षुर्जन्य मनोवृत्ति, वो सावास होती है, चिदाभास से संलंकृत होती है। तो सावास चक्षुर्जन्य सावास मनोवृत्ति ध्रुवाकार होती है, चंद्राकार होती है, सूर्याकार होती है। तो वहाँ वृत्ति पहुँच जाती है, चिदाभास भी पहुँच जाता है, क्योंकि वृत्ति सगर्भा होती है। वृत्ति सगर्भा माने चिदाभास से संलंकृत ही होती है। तब प्रश्न उठा, चिदाभास तो पहुँच गया, वृत्ति तो पहुँच गई, हम पहुँचे या नहीं। तो चिदाभास के साथ भूमिकाओं का वर्णन करके एक अपूर्व तथ्य ख्यापित किया विद्यानंद स्वामी जी ने। अज्ञान परो, फिर अपरोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान, अज्ञान, फिर आवरण, फिर विक्षेप, फिर परोक्ष ज्ञान, फिर अपरोक्ष ज्ञान, फिर शोकापगम और निरंकुशा तृप्ति, ये सात चिदाभास की अवस्थाएं हैं। उसमें भी पूर्व पक्ष उपस्थापित होता है कि विक्षेप कोटि प्रविष्ट कौन है, चिदाभास। चिदाभास विक्षेप है। अज्ञान और आवरण ये जो दो हैं, चिदाभास की अभिव्यक्ति के पूर्वावस्था हैं। इसलिए चिदाभास की अवस्थाएं कैसे हो सकती हैं, ये दोनों कौन, अज्ञान को और आवरण को चिदाभास की अवस्था कैसे माने हैं, चिदाभास की सिद्धि बात में, बाद में करती पर पड़ती मैगडम्बर पर छाया, बाप रहती पेट में तो पूत गलखिन गाया कहा गया, इसी प्रकार समझना चाहिए। तो प्रश्न उठता है कि कूटस्थ की अवस्थाएं हैं, चिदाभास की अवस्थाएं हैं, इसकी अवस्था, ये जब प्रश्न उठाएगा तो कूटस्थ की तो कोई अवस्था होती नहीं। फलवल कल्प है पारिशेष्य न्याय से चिदाभास की अवस्थाएं हैं। पूर्व सिद्ध अवस्था भी चिदाभास की अवस्था है,
चिदाभास की स्फुट रीति से अभिव्यक्ति तीसरी भूमिका पर होती है, लेकिन बीज रूप से चिदाभास अज्ञान और आवरण की दशा में भी रहता है। अज्ञान भी है, आवरण भी है, विक्षेप भी है, परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान, शोकापगम निरंकुश तृप्ति। दसवें को अपने यहाँ ज्ञान नहीं हुआ तो अज्ञान हो गया, दसवां होता तो दिखता आवरण हो गया। हाय क्या मुँह दिखाऊंगा, नेता बन के आया था, दसवां डूब गया, खो गया, छाती पीटने लगा, विक्षेप हो गया। किसी पारखी व्यक्ति ने कहा धैर्य धारण करो, दसमोस्ती, दसवां है, परोक्ष ज्ञान हो गया। अब देखो नौ व्यक्ति तो नहीं खोए, गिनने वाले तुम, दसवां स्वयं हो, अपरोक्ष ज्ञान हो गया। अपरोक्ष ज्ञान होते ही अपनी भूल पर ठाका मार के हंसा, शोकापगम हो गया और प्रसन्न हो गया। शोकापगम के बाद में शोक का निवारण हो गया, आनंद की अभिव्यक्ति हो गई। इस प्रकार से चिदाभास की जो पूर्व अवस्थाएँ हैं, अज्ञान भी और आवरण भी, वो भी फल बल कल्प है, कूटस्थ के नहीं हैं। अब कोई तीसरा यहाँ टपक सकता नहीं है, इसीलिए चिदाभास की अवस्थाएँ ही हैं। विक्षेप कोटि प्रविष्ट जो चिदाभास है, उससे पूर्व की दो अवस्थाएँ भी किसकी हैं, चिदाभास की मान ली जाती हैं। या अज्ञान है तो अज्ञान में भी प्रतिफलित मंद रीति से तो चिदाभास होगा ही, सुसुप्ति में भी चिदाभास की कल्पना होगी या नहीं, या सुसुप्ति में भी, स्वप्न में भी, जागृत में भी यह हुआ। अब यह है कि द्रवावस्थापन्न कोई जल है, उसमें व्यक्ति का स्फुट प्रतिबिंब पड़ता है, लेकिन वो जल अगर शैत्य की प्रगल्भता से हिम का रूप धारण कर ले, तब वो जो व्यक्ति का प्रतिबिंब था, निर्मल निश्चल द्रवावस्थापन्न जल पर स्फुट रीति से अभिव्यक्त जो प्रतिबिंब था, वो बीज रूप में बर्फ की दशा में भी मान नहीं होगा। जल में गुरुत्व है या नहीं, बहुत बढ़िया प्रश्न, भारीपन गर्भ जल में, लेकिन 50 लीटर जल को बर्फ का रूप दे दिया गया, किसी के खोपड़ी पर बर्फ का सिल किसी बाजार दी गई बर्फ, तो क्या हुआ, गुरुत्वविहीन हो, गुरुत्वविहीन है बर्फ की सिल्ली, उसका सर फोड़ देगा या नहीं। हमारे पूज गुरुदेव ने एक किया, उसमें गुरुत्व जो है जल में अवपार है नहीं, लेकिन 50 लीटर जल को बर्फ का रूप धारण करा दिया जाए, शैत्य की प्रगल्भता से बर्फ की सिल्ली किसी के खोपड़ी पर बजा दे तो दार्शनिक का मुँह बंद हो जाएगा, अरे उसमें तो कोई भारीपन था ही नहीं, सर तो फोड़ ही देगा वो। इसलिए प्रातिभासी पदार्थ में भी अर्थक क्रिया कार्यता है, 50 लीटर जल को बर्फ का रूप धारण कर दिया जाए, सर पे पटक दिया जाए, फिर क्या होगा। यह तो क्या हुआ सार, सार यह हुआ कि चिदाभास की ही अवस्थाएं हैं, या इस प्रकार से 7 अवस्थाएं हो गई। श्री राम जय राम जय जय राम, तो जगत का निमित्त कारण भी आत्म तत्व ही, भगवत तत्व, परमात्म तत्व, ब्रह्म तत्व ही सिद्ध होता है, वही उपादान कारण होता है। जैसे कि स्वप्न प्रपंच के हम अभिन्न निमित्तोपादान कारण होते हैं। मनोराज्य का उदाहरण क्यों नहीं दिया गया, मनोराज्य में केवल मनोगत ही पदार्थ होते हैं, उनकी उन पदार्थों की व्यक्ति और वस्तु की स्फुट अभिव्यक्ति प्रतीति नहीं होती, जबकि स्वप्नावस्था में आत्मचैतन्य से अधिष्ठित यह क्षमता हमारे आपके जीवन में है। क्यों आ गई, त्यागा शांति रणधर्म, स्थूल शरीर स्थूल प्रपंच का आभानात्मक वियोग रूप त्याग हो गया, उस त्याग के बल पर हमारे आपके जीवन में वो क्षमता आ गई कि स्वप्नावस्था में हम क्या करते हैं, स्वयं ही पृथ्वी पानी प्रकाश भवन आकाश और स्थावर जंगम प्राणी का रूप धारण कर लेते हैं। कदाचित स्वप्न की सिद्धि को कोई व्यक्ति
संयम के बल पर, धारणा के बल पर जागृत में भी उतार ले तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश की संरचना में भी समर्थ हो सकता है। कल उदाहरण दिया 10 भाई थे योग वासिष्ठ के अनुसार, छोटी आयु में ही उन 10 को ब्रह्मात्म तत्व के एकत्व का विज्ञान प्राप्त हो गया। अब उन्होंने आपस में विचार किया, आयु तो बहुत शेष है, तत्व ज्ञान हो ही गया, अब जीवन यापन में क्या करें, तो कुछ खेल खेलना चाहिए। तत्वज्ञों का गोरखनाथ जी भी सिद्ध और दत्तात्रेय जी भी सिद्ध, क्या दोनों मिल गए एक बार, गोरख संहिता ऐसा में है, दत्तात्रेय गोरखनाथ जी मिल गए तो गोरखनाथ जी ने कहा कुछ खेल खेलने, अरे भाई बच्चे लोग खेलते हम लोग क्या खेलें, नहीं कुछ खेल खेलने की इच्छा हो गई, खेल लो। क्या करें, जहाँ जहाँ गोरखनाथ जी ने कहा दत्तात्रेय को, जहाँ जहाँ मैं छिपूँ अगर ढूंढ लोगे तो बढ़िया, करते नहीं खेल बच्चे, जहाँ जहाँ छिप जाते, छिपकली हो जाते गोरखनाथ जी, कबूतर हो जाते, शेर हो जाते, देवता हो जाते, वहाँ वहाँ दत्तात्रेय जी कहते तुम हो ना आप। अब कहा ठीक है, आपने तो हमको परख लिया, अब आप छिपे मैं ढूंढूँ। दत्तात्रेय जी ने संकल्प किया मैं आकाश, अब छिपके लिए हो क्या, कबूतर हो, देवता हो, अप्सरा हो, तब तो रोने लगे, हम नहीं पहचान पाए, हम तुम्हें ढूंढ नहीं पाए। दत्तात्रेय जी प्रकट हो गए, फिर गोरखनाथ ने कहा क्या हो गए थे आप, मैंने कल्पना की मैं आकाश हो जाऊँ तो ढूंढते क्या। यही सिद्धों का खेल है। इसी प्रकार से 10 भाइयों ने कहा तत्व ज्ञान हो गया, आयु तो बहुत लंबी है, क्या करें, अरे भाई ब्रह्मा हो जाए, ठीक है, तो मान लो 10-10 फीट या 1-1 किलोमीटर की दूरी पर 10 बैठ गए, वहाँ के चट्टान में ही उन्होंने कल्पना कर ली, 1-1 ब्रह्मांड की रचना कर ली, 14 भुवन बना लिया, वहाँ बैठ गए ब्रह्मा जी होकर के। सचमुच में ब्रह्मा जी उधर से जा रहे थे, दिव्य चक्षु के बल पर ब्रह्मा ने देखा, चतुर्दश पूर्णात्मा ब्रह्मा ने कहा ब्रह्मा तो मैं हूँ, यहाँ पे विचित्र तमाशा, 10 ब्रह्मा और भी हैं। तब ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए कि योग के बल पर ये सब ब्रह्मा हो गए, ऐसा ही एक ब्रह्मांड में कई ब्रह्मा हो सकते हैं, किसके बल पर, योग के बल पर, ईश्वर सृष्ट जो द्वैत प्रपंच है उसमें 1 किलोमीटर ही क्या, 1 फीट या 1 मीटर की जगह में भी, 1 मीटर के पाषाण खंड में भी व्यक्ति एक ब्रह्मांड की रचना कर सकता है। जैसे कि हिता नामी की नारी या पूरी तक नाम की नारी में हम आप क्या करते हैं, स्वप्नावस्था में पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश और स्थावर जंगम प्राणियों की रचना कर लेते हैं। अब रचना कीजिए भोजन पाइए, काशी है।